हेलो गाइस, आज हम बैठे हैं टाटा ऑल्ट्रोज ICNG में एंड देख सकते हैं आप लोग कम्प्लीटली न्यू कार है। 3 दिन हुए हैं इसे लेके एंड ये वेरिएंट है XZ+S। एस मतलब इसमें सनरूफ भी आता है छोटा सा एक, तो हाँ अच्छी गाड़ी है। फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन तो अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। ऑल्ट्रोज के बारे में सब जानते हैं, कंफर्ट, ड्राइविंग फील सब अच्छी है, गाड़ी का रिस्पांस सब कुछ अच्छा है। ऑल्ट्रोज के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ स्पेशली ICNG के लिए, क्योंकि आई एम फेसिंग अ सर्टन इशू। पता नहीं है मेरे साथ ही हुआ है कि और लोगों के साथ भी हुआ है, आई हैव नो आइडिया, बट मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दे। ट्रैफिक में अटके ही मैं, कुछ करने को है नहीं तो यही कर लेते हैं। तो पहले तो मैं बात करूँगा अपने शोरूम से लेके पेट्रोल पंप तक की जर्नी। गाड़ी मैंने परचेज़ करी और बाहर निकले हम लोग शोरूम से एंड विद इन 50 मीटर्स गाड़ी हो गई बंद। बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था गाड़ी में, जो कि थोड़ी लापरवाही थी ये शोरूम वालों की। बट एनीवेज फ़ोन किया मैंने उन्हें एंड थैंकफुली पेट्रोल पंप भी ज़्यादा दूर नहीं था, इट वॉज़ हार्डली अनदर 50 मीटर्स अवे। तब तक मैंने धक्का लगा लिया, फ्यू पीपल ऑन द रोड हेल्प मी आउट। सोचो आप नई गाड़ी को धक्का लगा के पंप ले जा रहे हो तो वही हुआ मेरे साथ। पंप पहुंचा तो तब तक टाटा के एग्जीक्यूटिव वहाँ पे आ गए, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, एंड ही ऑफर्ड मी अनदर स्लिप फॉर फ्यूल। 2 लीटर्स वो तो देते ही हैं कंपनी से, 2 लीटर उन्होंने और दिया, बट ठीक है, जो होना था वो तो हो चुका था। कीपिंग दैट असाइड, मैंने उसी पंप से उसी वक्त फ्यूल तो भरवाए लिया पेट्रोल, एंड CNG भी मैंने फुल करवा लिया, एंड मैंने अपने ट्रिप मीटर को सेट कर दिया, रीसेट कर दिया। सो आप देख सकते हैं फुल टैंक था उस समय CNG का, 8.11 kg CNG भरी थी, एंड आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है वो, मतलब एम्प्टी हो गया है CNG वाला पोर्शन। पेट्रोल वाला अभी भी फुल है, CNG इज ऑलमोस्ट एम्प्टी नाउ, कभी भी ख़त्म हो सकता है। बट गाड़ी चली है 70.7 किलोमीटर, ये मैंने उसी वक्त रीसेट किया था, तो ये बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। आप देख सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, गाड़ी अब तक टोटल चली है 100 किलोमीटर चली है गाड़ी। तो मैं ऐसा भी नहीं कि झूठ बोल रहा हूँ या कुछ, टोटल गाड़ी 100 चली है, एंड CNG लेते वक्त मैंने इसको सेट किया था तो ये चली थी 70.7 चली अब तक, तो मतलब मेरे ख्याल से 1-2 किलोमीटर और चल जाएगी एंड CNG ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि आप CNG लेते हैं इसीलिए कि कुछ तो एवरेज दे गाड़ी। अब ये पता नहीं प्रेशर का इशू है कि क्या है, या मेरे गाड़ी के साथ कुछ इशू है। एक और बारी हम करेंगे इसका, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, एम्प्टी होने का वेट करूँगा मैं। जब कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाए मेरा CNG टैंक, आई विल विजिट द पंप एंड आपको एक वीडियो बनाकर ट्रिप मीटर भी मैं साथ में रीसेट करूँगा एंड चेक करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट लेट्स सी हाउ इट गोज, अभी तो फिलहाल बहुत पुअर एवरेज मिला मुझे CNG से, तो देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज़